ओके सो हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग। सो गाइस, जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा होगा गाइस कि हमने कैसे मतलब कि एक नॉर्मल फोटो के अंदर क्लाउड सेट करके उसको कितनी अमेजिंग फोटो बना दी है, तो गाइस आज हम वही करने वाले हैं इस वीडियो में। तो गाइस, मैं आप सभी को ना इसमें क्या करूंगा कि आपको काफी ज्यादा सारे मतलब कि अलग अलग तरीके के क्लाउड्स के पीएनजी दे दूंगा, ठीक है? तो आप लोग क्या करना कि उनमें से जो भी आपको बैकग्राउंड या पीएनजी आपको जो भी अच्छा लगे आप अपनी फोटो में सिंपली उसको ऐड कर लेना। बाकी गाइस, इसका ना आपको रिटच वाला पार्ट देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि गाइस रिटच से क्या है कि अगर गाइस आप लोग ये वाला टोन जरूर दोगे, मतलब कि ये वाला टोन अगर आप दोगे ना अपनी फोटो में, तो गाइस आपकी फोटो जो है एकदम मतलब कि नेक्स्ट लेवल की लगेगी एंड गाइस फोटोज पे मतलब कि वायरल होने के चांस भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो गाइस आप लोग बस मतलब कि यार ये टोन देना चाहो तो यार आप लोग रिटच वाला पार्ट जरूर देखना, एंड अगर आप अगर अपनी तरफ से कोई और टोन देना चाहते हो तो गाइस आपकी मर्जी है। बाकी गाइस आपको जो भी प्रोसेस है वीडियो का मैं आपको वीडियो में बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाऊंगा, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना। एंड गाइस, अगर अभी तक आपसे मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी गाइस चलिए आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस आप सभी को सबसे पहले करना क्या है गाइस, आप सभी को ना गाइस कुछ इस टाइप से मतलब कि आपको कहीं भी मतलब कि आप कोई भी फोटो अपनी उठा लेना, लेकिन गाइस उसमें आप सभी को जो है मतलब कि आपको पीछे बैकग्राउंड में स्काई होना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो आप वाला कोई फोटो लेना। एंड गाइस ये सभी जितने भी आपको स्काई के बैकग्राउंड दिख रहे हैं आपको सब कुछ सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है? तो आप इनमें से कोई भी मतलब कि कोई भी स्काई का बैकग्राउंड ले लेना एंड अपने फोटो में सिंपली ऐसे करके ऐड कर लेना। एंड आपको अब ये गाइस ऐड कैसे करना है वो मैं आप सभी को बता देता हूं, ठीक है? जब आप गाइस इसको यहां पे ऐसे रख लोगे तो ओपेसिटी कम करके चेक कर लेना कि आपके बैकग्राउंड में जितना स्काई है आपको उतने एरिया में आ चुका है कि नहीं। फिर आपको इरेजर टूल में जाकर इसको इन्वर्ट करना है, देन गाइस आपको ब्रश को सिलेक्ट करना है एंड गाइस कुछ इस टाइप से फटाफट आपको पेंट करना है, ठीक है? एंड गाइस आपको ये पेंट करना है कि मतलब कि जो आपके जो बॉडी है ना गाइस जितने भी आपके उस जगह पे गाइस बिल्कुल भी टच नहीं होना चाहिए, ठीक है? मतलब कि आपको आप समझ गए होंगे गाइस कि मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि मतलब जैसे आप बैकग्राउंड रेस करते हो ना गाइस कि बस आपको अपने मॉडल चाहिए होता है, उस तरीके से बस आपको यहाँ पे गाइस ऐसे पेंट करना है, ठीक है? बस आप सभी को इस तरीके से एंड जो है मतलब आपको पूरी बॉडी में कर देना है। एंड गाइस आपका कोई एरिया रह जाएगा तो आप उसको सिंपली मतलब कि अपनी तरीके से आप उसको इरेज कर लेना वहाँ से। तो आप समझ गए होंगे गाइस मैं क्या कहना चाहता हूँ। एंड गाइस आपको फिर इस तरीके से करने के बाद आपको फिर यहाँ पे आगे क्या करना वो मैं बता देता हूँ। तो पहले फटाफट इसको कर लेता हूँ फील, देन आपको बताता हूँ आगे का प्रोसेस। ओके गाइस, सो इतना हो जाने के बाद गाइस आपको जो इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम रख लेनी है, ठीक है? एंड उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली कर देना है डन। अब गाइस यहाँ पे जो है हमें क्या करना है, अब यहाँ पे थोड़े से ना हम यहाँ पे ब्लर करेंगे गाइस थोड़ा सा। तो हम ऐसे जाएंगे इफेक्ट में एंड यहाँ से ब्लर लेंगे एंड गाइस इसका अमाउंट होगा ना गाइस इसको रखेंगे हम 5 तक। एंड गाइस यहाँ से जाएंगे मिरर टूल में एंड इसको इन्वर्ट करेंगे, ब्रश लेंगे। ब्रश को लेने के बाद गाइस जैसे कि आपको दिख रहा होगा बैकग्राउंड में जैसे कुछ कुछ आ जाता है ना एरिया, तो उसको आपको यहाँ पे ब्लर करना है एंड थोड़ा सा स्काई ना जिसको भी ब्लर कर लेना है, ठीक है? तो यहाँ पे थोड़ा सा फेस के ऊपर भी हो गया तो मैं इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूँ, तो फेस के ऊपर जो हो गया है इतना परफेक्ट है। अब गाइस यहाँ पे आपको इसको सिंपली कर देना है डन। अब गाइस इसमें थोड़ा सा आपको पार्टिकल भी ऐड करना है, ठीक है? तो मैं पार्टिकल और पीएनजी भी दे दूंगा आप सभी को। तो यहाँ पे हम चलते हैं ऐड फोटो में एंड ऐसा पार्टिकल ऐड करते हैं, ठीक है? तो यहाँ से हम चलेंगे ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से हम ऐड कर लेते हैं पार्टिकल अपना सिंपली। एंड गाइस पार्टिकल ऐड करने के बाद आपको फिर क्या करना है, आपको इसको फुल स्क्रीन करना है एंड इरेजर टूल में जाना, सॉरी ब्लेंडिंग मोड में जाना है, इसको स्क्रीन कर देना है। फिर इरेजर टूल में जाकर आपको थोड़ा फेस के एरिया जो इतना इरेज कर लेना है। फिर गाइस आपको सिंपली करना है, आपको डन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर डन कर देना है। अब गाइस यहाँ पे क्या करना, अब गाइस आती है हमारी बारी कलर करेक्शन की। तो अब इसको हम सेव कर लेते हैं एंड इसको लेकर चलते हैं लाइट रूम ऐप में ले जाने के बाद गाइस पहले आप सभी को क्या करना है, आप सभी को जाना है लाइट वाले ऑप्शन में। फिर गाइस यहाँ पे क्या करना, आपको थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज करना है। देन गाइस आपको जो हाईलाइट है इसको आपको थोड़ा इंक्रीज करना है, शेडो को इंक्रीज करना है, ठीक है? शेडो को इंक्रीज कर देना है। एंड गाइस यहाँ पे व्हाइट मिलेगा आपको, उसको व्हाइट को कम करना है। देन गाइस आपको ब्लैक बढ़ा देना है। एंड गाइस उसके बाद आपको जाना कलर्स वाले ऑप्शन में, वाइब्रेशन को आपको थोड़ा बढ़ा देना है। देन गाइस आपको जो टेंट है गाइस टेम्परेचर इसको आपको प्लस की तरफ करना है एंड कलर मिक्स में जाकर ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है। सैचुरेशन माइनस कर देना अपने फेस के अकॉर्डिंग। देन गाइस आपको ल्यूमिनस बढ़ा देना अपने फेस के अकॉर्डिंग। देन गाइस आपको जाना डार्क ब्लू में, आपको उसका सैचुरेशन बिल्कुल माइनस कर देना है। एंड गाइस जितने भी कलर है इसमें सबको माइनस कर देना आप सभी को, ठीक है? तो इतना हो गया। अब जाएगा इस यहाँ से हम पिंक कलर का भी थोड़ा कर लेते हैं एंड यहाँ से हम ले लेते हैं यहाँ से ऑरेंज सॉरी येलो कलर का एंड इसका सैचुरेशन माइनस, ठीक है? तो अभी थोड़ा सा फील आया हमारी फोटो में। एंड अब क्या करेंगे गाइस यहाँ से, अब इसको डन करेंगे एंड जाएंगे यहाँ से फ्लिप टूल में। एंड गाइस इसके बाद शेडो के सामने जो आपको एरो दिख रहा है आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। एंड गाइस ह्यू को जो आपको लेके जाना है येलो टोन में। देन गाइस इसकी शार्पनेस इंक्रीज करनी है थोड़ी सी, सॉरी सैचुरेशन इंक्रीज करनी है। देन गाइस आपको मिड टोन में जाके इसको भी ले जाना आपको येलो टोन में। एंड गाइस इसके बाद आपको यहाँ पे भी सैचुरेशन को बढ़ा देना है। एंड गाइस इसके बाद आपको फिर क्या करना है, एंड उसके बाद मिड टोन के बाद आपको जाना है ऐसे हाईलाइट में। एंड गाइस इसको भी ले जाना आपको येलो टोन में। एंड गाइस इसका भी आपको सैचुरेशन इंक्रीज करना है।
ठीक है गाइस, तो इसका भी थोड़ा सा सैचुरेशन इंक्रीज कर देंगे। एंड गाइस देखिए हमारी फोटो में जो फील आना स्टार्ट हो गया है। अब गाइस इसमें हम विगनेट वगैरह ऐड करेंगे एंड गाइस पूरी रिटच हमारी वैसी हो जाएगी। तो यहाँ से हम चलते हैं इस वाले टूल में एंड गाइस की हम थोड़ी सी क्लियरिटी डालेंगे, ठीक है, बढ़ा देंगे अपने अकॉर्डिंग। एंड गाइस इसमें विगनेट ऐड करेंगे एंड गाइस आप देख सकते हैं कितना अच्छा लुक आ गया हमारी फोटो में। अब गाइस यहाँ से क्या करेंगे, हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको मिलेगा ग्रेन माउंट, आपको उसको ग्रेन माउंट बढ़ा देना है। फिर गाइस आपको यहाँ से जाना नीचे वाले टूल में, फोटो की जगह शार्पनेस आपको उसको इंक्रीज करना है। एंड गाइस जिसके नीचे आप सभी को मिलेगा नॉइज रिडक्शन, आपको उसको बढ़ा देना है। एंड गाइस जिसके नीचे मिलेगा आपको कलर रिडक्शन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस आप फाइनली देख सकते हैं हमारी फोटो का जो रिजल्ट है वो आप सभी के सामने। तो गाइस आशा करता हूं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो और वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी गाइस चलिए मैं मिलता हूं सबसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।